पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती है बेटिया, तेरा मेरा करते हमारा कहना सीख जाती है बेटिया, थोड़े से काम से थक जाने वाली पूरा घर संभालने वाली बन जाती है बेटिया, बात बात पर लड़ने वाली आज चुप रह जाती है बेटिया, पापा के पैसे खर्च करने वाली पैसा पैसा जोड़ना सीख जाती है बेटिया। सच ही कहा है किसी ने, बेटी से बहू तक बहुत बदल जाती है बेटिया, पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती है बेटिया, तेरा मेरा करते हमारा कहना सीख जाती है बेटिया। पानी में अक्स देखकर इतरा रहा था मैं, पानी में अक्स देखकर इतरा रहा था मैं, कंकर किसी ने फेंक कर मंजर ही बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज आपको एक खबर देनी है, एक इत्तला देनी है कि कल 24 जनवरी बरोस पीर हाफिज अब्दुल अजीज साहब और मौलाना सादिक साहब की दावत पर साए गांव अंबा जोगई का सफर तय हुआ है। सफर का मकसद यह है कि वहां कल बाद नमाज असर दारुल कुरान की इमारत का संग बुनियाद है, जो कि हजरत मौलाना इस्माइल साहब नक्शबंदी लातूरी मद्दज़िलुल आली की सरपरस्ती में और हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब नक्शबंदी लातूरी मद्दज़िलुल आली की सदारत में अंजाम पाएगा। इस हकीर बंदे को भी इस कार खैर में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया है। प्रोग्राम कुछ इस तरह है कि बाद नमाज असर संग बुनियाद होगा, उसके बाद नमाज मगरिब एक मुख्तसर सी मजलिस होगी और उस मजलिस के फौरन बाद हाफिज अब्दुल अजीज साहब के वलीमे में शिरकत होगी इंशाअल्लाह। इसलिए हम दुआ करते हैं और आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त करते हैं और शिरकत की भी दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग दुआ करें कि ये दोनों कार्य खैर अल्लाह की मदद से खैर व आफियत के साथ पाए तकमील तक पहुँचे। मुझे उम्मीद है कि आप शिरकत करेंगे और शिरकत न भी कर सके तो इन दोनों प्रोग्राम के लिए आप खुसूसी दुआ ज़रूर करेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इंसान के बर्दाश्त की हद और हैसियत सिर्फ इतनी है कि उसका बॉडी टेम्परेचर 96 डिग्री से कम और 110 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन इस 14 डिग्री के मार्जिन पर जिंदा रहने वाले इंसान की अगर बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि सारी ताकत और सारा इख्तियार बस इसी पर खत्म हो। याद रखें, ताकतवर जात सिर्फ खुदा की है और उसके सामने इंसान कमजोर और बहुत ज्यादा कमजोर है। बात समझ में आई? हमेशा कंधों की जरूरत सिर्फ एक औरत को ही नहीं होती, कभी कभी मर्द भी किसी कंधे पर सर टिकाकर अपने आंखों का बोझ हल्का करना चाहता है। कमजोर ही सही, लेकिन बाहों का हिसार मर्द को भी आराम बख्शता है। दर्द होने, आंसू बहाने, सहारा देने का ताल्लुक मर्द औरत से नहीं, जज्बात और दिल से होता है। जिस तरह एक कमजोर औरत को मर्द सहारा देता है, ठीक उसी तरह टूटे हुए मर्द को एक औरत अपने बाहों में समेट सकती है। कभी दुख से तड़पते मर्द की लाल अंगारों से दहकती आंखों में झांकना और देखना कि मर्द भी दुख में कितना तन्हा होता है, मर्द भी एक इंसान होता है, उसे भी समझने की कोशिश करो। जब पत्तों पे खाता था तो मेहमान को देखकर हरा हो जाता था, फिर जब मिट्टी के बर्तन में खाने लगा तो जमीन से जुड़कर रिश्ते निभाने लगा, फिर वो पीतल के बर्तन में खाने लगा, रिश्तों को साल 6 महीने चमकाने लगा, फिर जब बर्तन कांच के इस्तेमाल करने लगा, रिश्तों को हल्की सी चोट पर बिखेरने लगा,
अब बर्तन जब थर्माकोल के होने लगे, वो रिश्तों को भी यूज एंड थ्रो करने लगा। यहां किरदार नकली है, हमारे यार नकली है। नजर आते हैं जो असली, पसे दीवार वो नकली है। अमानत दे के रखवाइए इस शहर बातिल में, अजब बहरूपियापन है कि नेकोकार नकली है। मकानों की हिफाजत के लिए हमें खुद जागना होगा, हिफाजत जिनके जिम्मे है वो पहरेदार नकली है। अजब दौरे फितन में खींच लाई है मुझे किस्मत, करे क्या फैसले हक के सब सरदार नकली है। मैं अपने मुआशरे बद का किस्सा कैसे बतलाऊं, हया असली कहां से हो कि पर्देदार नकली है। यहां किरदार नकली है, हमारे यार नकली है। नजर आते हैं जो असली, फंसे दीवार वो नकली है। कमजोर से कमजोर औरत भी उस वक्त ताकतवर हो जाती है जब उसे इज्जत देने वाला मर्द मिल जाता है, है ना? सामने होता है लेकिन मुझे रद्द करता है, बाज़ औकात आईना भी हद करता है।